वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीटी यू और मैं हूँ डॉली। आज मैं आप लोगों के साथ में एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँगी और ये जो रिव्यू ये फेस मास्क का रिव्यू है और ये जो फेस मास्क है ये वाइल्ड क्राफ्ट का मास्क है। वाइल्ड क्राफ्ट में भी जो आता है W95+ का जो मास्क है जिसे सुपर मास्क कहा जाता है उस मास्क का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज ये जो मास्क है ये मैंने परचेज किया है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरा लिंक चेक कर सकते हैं इसके लिए अगर आपको इसे परचेज करना है। तो ये जो मास्क है ये काफ़ी अच्छा मास्क है और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में ये आया हुआ है ये मास्क। तो इसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली होंगी गाइज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो गाइज रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब इसलिए करिएगा, नीचे बेल आइकन का आइकॉन दिया हुआ है उसे प्रेस करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि हमारे चैनल के जितने भी रिव्यू आ रहे हैं जितने भी लेटेस्ट रिव्यू होंगे ना उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोज की जल्दी से मिल जाए। हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एक थम्स अप जरूर दीजिएगा क्योंकि ये हमारा एक मोटिवेशन होता है। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिव्यू। सो गाइज ये जो मास्क आया है कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से आया हुआ है ये मास्क। और इस मास्क को अभी हम देखते हैं कि ये कैसा मास्क है। ये देखिएगा, ये कुछ ऐसा इस तरीके से इसका ऊपर का जो दिया हुआ है मैनुअल दिया हुआ है, ऊपर ही जो कवर है उसी में सब कुछ दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैंगी। और इसके अंदर ये मास्क आया हुआ है। ये जो मास्क है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मास्क है और बहुत ही बढ़िया है। वाइल्ड क्राफ्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोगो भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा मास्क है। इसमें जो इलास्टिक्स हैं ये काफ़ी अच्छी दी हुई हैंगी, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब ईयर्स पे जब आप इन्हें लंबे समय तक लगाएंगे तो पेन नहीं होगा, मतलब इस तरीके से इलास्टिक्स इसकी बनी हुई हैंगी। तो इलास्टिक्स भी काफ़ी अच्छी दिख रही हैंगी मुझे। इसमें जो नोज पिन दी हुई हैगी वो भी काफ़ी अच्छी नोज पिन दी हुई हैगी, आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी हार्ड है और काफ़ी अच्छी है। मतलब क्या होता है बहुत सी बार बहुत ही पतली सी थिन एक इसमें नोज पिन दी हुई होती हैगी मास्क में, जो कि क्या होता है वॉश करने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा सुखड़ती जाती है, अजीब सी हो जाती है। आप ज़्यादा मतलब 30 वॉश के लिए दिए हुए रहते हैंगे मेनली जितने भी मास्क आते हैंगे। ये भी रीयूजेबल है, मतलब आप 30 डेज तक इसे वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है वो जो नोज पिन होती है ना वो वॉश करते 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 खराब होने लग जाती है। आप 30 डेज तक तो वियर आउट कर ही नहीं सकते हैंगे मास्क को। बट इसकी जो नोज पिन की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इवन दो इसका जो मटीरियल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा, आप देख सकते हैं का जो मटेरियल है ना उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस मास्क को सुपर मास्क भी कहते हैं। हम देखते हैं कि इसे सुपर मास्क क्यों कहते हैं, W95+ मास्क ये क्यों है। ये प्रोटेक्शन प्लस कंफर्ट प्लस डिजाइन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मास्क को डिजाइन किया गया है। पावर्ड बाय वाइल्ड क्राफ्ट प्रॉपर्टी हाइपर शील्ड कैटरेज हाइपा कूल इनर लेयर, मतलब इसके अंदर जो इनर लेयर दी हुई हैगी, इसकी जो अंदर की जो लेयर दी हुई हैगी उसी के बारे में बताया हुआ है कि जो इनर लेयर है वो हाइपर कूल इनर लेयर, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट, मॉइस्चर कंट्रोल एंड एंटी बैक्टीरियल फिनिश से बनी हुई हैगी इसकी जो इनर लेयर दी हुई हैगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद मल्टी लेयर कैटरेज दिया हुआ है इसके अंदर। ये सुपर मास्क इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर एक कैटरेज दिया हुआ है। कैटरेज के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कैटरेज में भी 3 लेयर्स दी हुई हैं। कैटरेज में दिया हुआ है PM2.5 फिल्टर दिया हुआ है, जो कि जो भी बैक्टीरियाज हैं जो भी वायरस है उसको फिल्टर करने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसी में। ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन के बाद बैक्टीरिया फिल्टर दिया हुआ है, बैक्टीरिया से भी फिल्टर करेगा एंड स्मॉल पार्टिकल फिल्टर दिया हुआ है इसके अंदर। तो इसीलिए इसको सुपर मास्क कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेनली ये चीजें हैं। 2.5 PM फिल्टर दिया हुआ है, बैक्टीरियल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, स्मॉल पार्टिकल फिल्टर दिया हुआ है एंड ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो कोई भी स्नीज आउट वगैरह करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके
आपके माउथ तक या फेस तक इंटर ना हो पाए, इसीलिए ये सारे प्रोटेक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो पावर की जो लेयर दी हुई है, जो आउटर लेयर जो इसमें दी हुई है, वो इंजीनियर्ड आउटर लेयर दी हुई है और वो है कोरस पार्टिकल फिल्टर के लिए। सो गाइज, इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी है इसकी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि काफ़ी अच्छी है इसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी। अगर आप कहीं पर भी क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो इस मास्क को ज़रूर आप वेयर आउट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि क्राउडेड एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, कि बहुत सारा क्राउड रहता है, तो वहाँ पे इस टाइप के मास्क वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मल मास्क वहाँ पर वेयर ना करें। अगर आप नॉर्मल मास्क वेयर भी कर रहे हैं तो फिर दो मास्क यूज़ करें, है ना। अगर दो मास्क यूज़ नहीं करना है तो फिर ये मास्क यूज़ करें। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इसकी देख लेते हैं। यूज़ केसेस दिए हुए हैं इसके। यूज़ केसेस में दिया हुआ है कि आउटडोर वॉक, अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल एंड कम्युनिकेट, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप वेयर आउट कर सकते हैं। बाइक चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सी बार जब आप सिग्नल पे जब आप लोग रुक जाते हैं तो एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर इस टाइप के मास्क वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पुलिस, ट्रैफिक सिक्योरिटी एंड डिलीवरी पर्सनल्स जो डिलीवर करते हैं सामान, उन सभी को अगर आपको कहीं डिलीवर करने जाना है, कुछ वर्क पे, अगर आप कहीं पे भी वर्क पे जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ता हैगा, हो सकता है मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ता है, बस से ट्रैवल करना पड़ता हैगा, टेम्पो से, ऑटो से ट्रैवल करना पड़ता है आपको, तो आप वहाँ पे भी इसको वेयर आउट कर सकते हैं। एंड स्कूल्स में, वैसे अभी स्कूल्स तो बंद हैं पर फिर भी कभी स्कूल ओपन होते हैं तो आप स्कूल में भी इसको वेयर कर सकते हैं। सो गाइज, इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा मास्क है, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मास्क की। एंड इसको वॉश कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये हैंड वॉश है, जब भी आप मास्क को वॉश करें तो हाथों से ही इसे वॉश करिएगा, मशीन वगैरह में डाल करके इसे वॉश ना करिए। और आप जब भी इसको सुखाना है तो आपको इसको धूप में नहीं सुखाना है बिल्कुल भी, जहाँ पे बहुत तेज सनलाइट एकदम पड़ रही है वहाँ पर आप इसे ना डालें, कहीं छाँव की जगह हो वहाँ पर डालें जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली ना पड़े, ऐसी जगह आप डालिएगा। तो ये मास्क जो है गाइज वो काफ़ी अच्छा मास्क है, मैं इसको वेयर करके भी बता देती हूँगी। ये साइज़ के हिसाब से भी अवेलेबल है, आप साइज़ के हिसाब से भी बुलवा सकते हैं, मैंने ये लार्ज साइज में बुलवाया है इस मास्क को। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि लगाने के बाद ये जो मास्क है ये पूरी तरीके से फेस को कवर कर लेता है। नोज पिन इसकी बहुत अच्छी दी हुई है तो नोज से भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये फिट हो जाता हैगा। और जब आप स्पेक्स लगाते हैं ना तो स्पेक्स लगाने के बाद फॉगिंग की जो प्रॉब्लम है ना वो भी नहीं होती हैगी, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो इस मास्क में बिल्कुल भी नहीं होंगी और पूरी तरीके से ये आपके फेस को ना पूरा कवर करके रखता हैगा। सो गाइस, इसको पहनने के बाद भी ऐसा नहीं लगता हैगा कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही हैगी या कोई दिक्कत हो रही हैगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लग रही है इसको पहनने के बाद। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूं तो ये मास्क मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता हैगा। अगर आपको पॉल्यूटेड एरिया वगैरह ऐसी जगह जाना है तो आप इस मास्क को जरूर से वेयर आउट करें, आपके लिए काफी हैंडी, कंफर्टेबल और काफी प्रोटेक्टिव रहेगा। सो गाइस, मैं और बता देती हूँ, आप जब भी मास्क को यूज करें ना तो मास्क को, हाथ को सैनिटाइज करने के बाद ही मास्क अच्छे तरीके से लगाएं, और जब भी आप मास्क को लगाएं ना तो बार बार फेस को हाथ ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं भी आपके हाथों को टच किया हो तो उससे आपकी स्किन पर लग सकता है, मास्क पे लग सकता है, अगर मास्क पे लग गया तो फिर आपके फेस पे लग ही जाएगा, आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी उस वायरस को। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस मास्क को लगाने के बाद बार बार फेस को टच नहीं करना है, ठीक है। आपको कभी मास्क उतारना भी है तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करना है और सैनिटाइज करने के बाद ही इस मास्क को उतारना है। जब भी आप मास्क को यूज करें ना तो हमेशा इंडिविजुअल यूज करा करें मास्क को, ऐसा नहीं हो कि फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हैं, आपने इसको एक वॉश कर लिया, मास्क को यूज करने के बाद हमेशा वॉश करना है आपको, तो वॉश करने के बाद किसी और ने, फैमिली के मेंबर ने इसको वेयर कर लिया, आपने किसी और का मास्क वेयर कर लिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपना एक इंडिविजुअल मास्क ही रखना है। और ये जो मास्क है ये रीयूजेबल है तो 30 डेज तक आप इसको रीयूज कर सकते हैं, पर जब भी यूज करें तो यूज करने के बाद इसे तुरंत अच्छी तरीके से वॉश करें, सैनिटाइज करें, उसके बाद ही इसको यूज करें।
30 डेज तक इजीली आप इस मास्क को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका जो मटेरियल है, इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी लग रही है। तो 30 डेज तक इजीली ये मास्क आप यूज कर सकते हैंगे, बट 30 डेज के बाद इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आप 30 डेज के बाद इसे यूज करें। तो 30 डेज के बाद इसे अच्छी तरीके से वॉश आउट करने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद प्रॉपरली आप इसको डिस्पोज ऑफ करें। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू जो था वाइल्ड क्राफ्ट के फेस मास्क के ऊपर। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा, आप लोगों कुछ हेल्प मिली होगी मेरे रिव्यू से, अगर आप लोग भी परचेज करना चाह रहे हैं इस मास्क को। सो गाइज, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके से और अच्छे अच्छे रिव्यूज हम आप लोगों के साथ में शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।